जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है AOC में, या फिर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है CISF ट्रेड्समैन में, ITBP ट्रेड्समैन में, SSC GD में, BSF ट्रेड्समैन में, CRPF में, तो वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 2023 में कई डिपार्टमेंट में वैकेंसियां निकाली गई हैं और लगभग सभी डिपार्टमेंट में यहां पे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। जी हाँ, कुछ डिपार्टमेंट में फिजिकल चल रहे हैं, कुछ में रिटन एग्जाम चल रहे हैं, और इसके अलावा कुछ वैकेंसियाँ 2022 की हैं जिसमें कि फिजिकल, ट्रेड टेस्ट और रिटन एग्जाम आप लोग के हो चुके हैं, और मेडिकल का प्रोसेस है। यानी कि 2023 में बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है और बच्चे किसी न किसी एग्जाम में बिजी हैं। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन लेना है। जी हाँ, 2023 में आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। तो एग्जाम्स होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्वेरियाँ आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे हो गई हैं। जी हाँ, प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सही जानकारी ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे अपसेट हैं। सर क्या होगा, कैसे होगा, कमेंट्स वगैरह करते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, आपके कमेंट्स के आंसर ना भी दे सकूँ, लेकिन कमेंट्स में आप लोग के रीड कर लेता हूँ, और मुझे जैसा लगता है कि आप लोग को उसकी जानकारी देनी चाहिए तो उसके लिए मैं आप लोग को अलग से वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा मैं आप लोग के लिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया। जी हाँ, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो आज बात करते हैं यहाँ पे AOC के ट्रेड्समैन, AOC ट्रेड्समैन के फिजिकल। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि AOC में ट्रेड्समैन मेट के फिजिकल 17 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हैं। तो यदि आप लोगों को भी AOC ट्रेड्समैन का फिजिकल है तो बेस्ट ऑफ लक। जी हाँ, फायरमैन वालों के फिजिकल पहले यहाँ पे हो चुके हैं। इसके अलावा CISF ट्रेड्समैन के भी फिजिकल यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि 29 अप्रैल 2023 तक चलने वाले। इसी प्रकार से ITBP ट्रेड्समैन के भी आप लोग के फिजिकल यहाँ पे मई तक चलने वाले हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आप लोग का BSF ट्रेड्समैन 2022 के मेडिकल होने वाले हैं। SSC GD के यहाँ पे आप लोग के फिजिकल होने वाले हैं 2022 के। और भी कई रिक्रूटमेंट हैं। जी हाँ, कई रिक्रूटमेंट हैं यहाँ पे, फिजिकल और ट्रेड टेस्ट मेडिकल वगैरह होने वाले। सर मेरा AOC का एग्ज़ाम है 17 अप्रैल को, उसी दिन मेरा CISF का एग्ज़ाम है 17 अप्रैल को, सर मैं क्या करूं? या मेरा AOC का एग्ज़ाम है, मेरा ITBP का एग्ज़ाम है, या फिर मेरा AOC का फिजिकल 24 अप्रैल को है और उसी दिन मेरा BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का मेडिकल है 24 अप्रैल फर्स्ट दिन, या फिर मेरा SSC GD का फिजिकल उसी दिन है, सर मैं क्या करूं? जी हाँ, ऐसा है बिल्कुल, बहुत से कैंडिडेट इस प्रकार से फंसे हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, फिजिकल आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले होता है। यदि जिस दिन आप लोग का किसी डिपार्टमेंट का फिजिकल है लेकिन किसी और डिपार्टमेंट का रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम आप लोग को यहाँ पे आगे हो रहा है, ठीक है, कोई भी आप लोग के ट्रेड्समैन की भर्ती है, आप लोग के रिटन एग्जाम यानी कि फिजिकल या फिर ट्रेड टेस्ट क्लियर करने के बाद यहाँ पे आप लोग को रिटन एग्जाम हो रहा है, उसी दिन आप लोग का यदि कोई रिटन एग्जाम है तो मैं आप लोग को बता दूं, रिटन एग्जाम आप लोग कुछ चीजें क्लियर करने के बाद पहुंचे हैं, और रिटन एग्जाम आप लोग का कभी डिले या पोस्टपोन नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 24 अप्रैल को आपका कोई रिटन एग्जाम है तो आप लोग यदि 24 अप्रैल को नहीं गए तो 25 अप्रैल में आप लोग को स्कूल में बिठा के रिटन एग्जाम ले लिया जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। रिटन एग्जाम का एक शेड्यूल बनाया जाता है, एक दिन आप लोग का एग्जाम होता है, ऑल ओवर इंडिया आप लोग के एग्जाम होते हैं, किसी और दिन आप लोग को अलग से एग्जाम नहीं लिया जा सकता, या फिर दो दिन एग्जाम होंगे, तीन दिन एग्जाम होंगे, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम होंगे, लेकिन जो फिक्स डाटा होता है बच्चों को, जिस दिन सीट वगैरह आप लोग की सब कुछ फिक्स होती है, इस दिन इस कॉलेज में इस सीट पे आप लोग को बैठना है, तो उसी सीट पे उसी कॉलेज में जाके उसी दिन आप लोग को एग्जाम देना होता है। यानी कि रिटन एग्जाम की डेट में आप लोग कभी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि उस दिन किसी और चीज का फिजिकल है तो आप लोग रिटन एग्जाम पहले देंगे। जी हाँ, रिटन एग्जाम पहले देंगे, उसके बाद आप लोग फिजिकल के लिए यहाँ पे ट्राई करेंगे, बिल्कुल क्लियर। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, यदि किसी दिन आप लोग का फिजिकल है और रिटन एग्जाम है और इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट का मेडिकल है तो मेडिकल आप लोग को सबसे पहले देना है, क्योंकि मेडिकल आप लोग का फाइनल स्टेप है। मेडिकल क्लियर करते ही आप लोग की मेरिट लिस्ट और फाइनल ज्वाइनिंग आप लोग को होनी है। मेडिकल देने के बाद ही आप लोग अदर डिपार्टमेंट का फिजिकल वगैरह ट्राई कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज।
तो देखिए AOC का फिजिकल है उसी दिन CISF का फिजिकल है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा आप लोग सबसे पहले AOC का फिजिकल दीजिए और उसके बाद आप लोग CISF ट्रेडमैन का फिजिकल देने के लिए चले जाइए, क्योंकि कई डिपार्टमेंट कई सेंटरों पे मैंने देखा है कि CISF में बैक डेट में यहाँ पे फिजिकल हुए हैं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोनों में से आप लोग किसी एक को छोड़ना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा आप लोग से कि आप लोग AOC का फिजिकल छोड़ सकते हैं, CISF ट्रेड्समैन का फिजिकल यहाँ पे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है CISF ट्रेड्समैन की भर्ती, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ उसमें ट्रेड टेस्ट भी आप लोग का होने वाला है, यानी कि दो स्टेप आप लोग के एक साथ क्लियर होंगे और CISF की मेरिट आप लोग की ठीक ठाक रहेगी, पेपर आप लोग का ठीक ठाक रहेगा, बच्चे इस बार कम रहने वाले हैं, सिलेक्शन के पूरे चांस है। और यदि दोनों एग्जाम देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, तो आप लोग पहले AOC का एग्जाम देने के बाद CISF के एग्जाम के लिए जा सकते हैं। लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते कि सर CISF ट्रेड्समैन का एग्जाम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो आप लोग CISF ट्रेड्समैन का ही एग्जाम दीजिए, अब मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि ITBP का भी एग्जाम उसी दिन है, तो देखिए ITBP का तो बिल्कुल क्लियर कर दूं, सभी सेंटरों पे यहाँ पे आप लोग को बैक डेट में लिया जा रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि AOC के साथ साथ आप लोग का ITBP का है तो आप लोग AOC ITBP दोनों देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग AOC का एग्जाम फिजिकल दीजिए, उसके बाद आप लोग ITBP का देने चले जाइए, क्योंकि ITBP के सभी सेंटरों पे बैक डेट में यहाँ पे फिजिकल लिए गए हैं। और यदि CISF और ITBP दोनों ट्रेड्समैन का यहाँ पे फिजिकल सब एक ही दिन है, तो सबसे पहले आप लोग CISF ट्रेड्समैन का ही फिजिकल दीजिए उसी दिन, क्योंकि CISF ट्रेड्समैन के साथ के फिजिकल के साथ साथ ट्रेड टेस्ट भी होना है और ये भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो CISF ट्रेड्समैन का फिजिकल देने के बाद, ट्रेड टेस्ट देने के बाद आप लोग ITBP का फिजिकल देने के लिए जाएंगे, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं आप लोग क्लियर कर दूं, जी हाँ BSF ट्रेड्समैन 2022 की जो भर्ती आई थी उसके मेडिकल यहाँ पे होने वाले हैं, जी हाँ 24 अप्रैल से यहाँ पे इनके मेडिकल हैं, एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो सर मेरा मेडिकल की डेट इसी दिन आ गई है, क्योंकि ऐसा होने वाला है सर, मेडिकल उसी दिन है और उसी दिन मेरा जो है CISF ट्रेड्समैन का फिजिकल है या ITBP का फिजिकल है या फिर AOC का फिजिकल है, BSF ट्रेड्समैन का मेडिकल आप लोग को देना है, क्योंकि मेडिकल आप लोग का फाइनल स्टेप है, उसके बाद आप लोग की ज्वाइनिंग है। तो मेडिकल आप लोग को देना है, BSF ट्रेड्समैन का मेडिकल क्लियर करने के बाद फिर आप लोग चाहे AOC में जाके ट्राई करें, CISF जाके ट्राई करें, ITBP जाके ट्राई करें, कहीं भी जाके ट्राई करेंगे, जी हाँ फिजिकल आप लोग के बैक डेट में लिए जा सकते हैं, आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो जरूर आप लोग को जो है बैक डेट में फिजिकल देखने को मिलेगा। लेकिन BSF ट्रेड्समैन का मेडिकल आप लोग नहीं छोड़ेंगे, ऐसी गलती आप लोग नहीं कर देंगे, क्योंकि ये मौका, ऐसा सुनहरा मौका हमेशा नहीं मिलता, जी हाँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस होगा यदि आप लोग का BSF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का मेडिकल है, तो मेडिकल आप लोग को देना है। लेकिन मेडिकल वाले दिन SSC GD का फिजिकल है, जी हाँ, तो देखिए मेडिकल आप लोग को देना इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों से पहले कह दिया, जी हाँ मेडिकल देना जरूरी है, उसमें नंबर आप लोग के अच्छे हैं, BSF ट्रेड्समैन की जो कट ऑफ है उससे उसमें आप लोग के नंबर अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि 3 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए गए हैं, तो आप लोग मेडिकल को जरूर दीजिए, क्योंकि मेडिकल की डेट पोस्टपोन होना जो है बहुत पॉसिबल नहीं है। देखिए चेंजेस तो हो जाएंगे यदि आप लोग फोन मेल वगैरह करेंगे, ठीक है, लेकिन वो आप लोग नहीं कर सकेंगे, तो मेडिकल की डेट को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, ये मान के चलिए बहुत ही कम चांसेस हैं मेडिकल की डेट पोस्टपोन हो सके। तो मैं तो यही कहूंगा कि BSF ट्रेड्समैन का मेडिकल आप लोग दीजिए, उसके बाद आप लोग का SSC GD का जो भी फिजिकल वगैरह है, फिजिकल देने के लिए आप लोग जा सकते हैं, बैक डेट में फिजिकल आप लोग के होने चाहिए। और यदि आप लोग के SSC GD में नंबर बहुत ही अच्छे हैं, आपको लगता है SSC GD हम क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल SSC GD में ही सिलेक्शन लेना है, कोई चांस हम यहाँ पे नहीं ले सकते, तो फिर आप लोग SSC GD का फिजिकल यहाँ पे दे करके मेडिकल के लिए यहाँ पे आगे के लिए आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जैसी आपकी सोच, जिस तरीके से आपको लगता है, जिस डिपार्टमेंट में जाता है जाना चाहते हैं, उस तरह का वर्क आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा BSF ट्रेड्समैन का मेडिकल दीजिए, उसके बाद आप लोग SSC GD के फिजिकल के लिए ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप लोग की थिंकिंग है, आपकी सोच है, किस में कितने नंबर है, किस में आप जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, तो अपने विवेक का इस्तेमाल भी कीजिए और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी मैंने आप लोग को बता दीजिए। इसके अलावा भी बहुत सी रिक्रूटमेंट है CRPF पैरामेडिकल के, आप लोग के आगे आने वाले एग्जाम्स वगैरह या फिर और भी कई डिपार्टमेंट के रिटर्न एग्जाम वगैरह यहाँ पे होने वाले हैं, तो डेट वगैरह यहाँ पे बिल्कुल क्रैश करेंगी ही करेंगी, तो आप लोग को थोड़ा बहुत अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैंने आप लोग को बता दिया है कितने स्टेप आप लोग क्लियर कर चुके हैं, इसके बाद क्या बचा है क्या नहीं बचा, और यदि फर्स्ट स्टेप आप लोग का अभी फिजिकल ही है तो उसको डिले करते हुए
नेक्स्ट डे उसमें जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैंने आप लोग को बताया। वीडियो एक बार दो बार तीन बार देखिए, पूरी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। फिर भी क्लियर नहीं हो रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़िए, ए टू जेड जानकारी आप लोगों को मिलती है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आपको क्लियर करके। थैंक यू सी नेक्स्ट।